वाराणसी से है। कोरोना वायरस की जांच में पहले जहां 3 से 4 दिन लगते थे, अब वाराणसी के BHU में TrueNate मशीन आ गई है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इस मशीन की मदद से जांच की प्रक्रिया में 2 घंटे से भी कम समय लगेगा। इस मशीन के आ जाने से कोरोना जांच में काफी मदद मिलेगा। यह बहुत ही अच्छी मशीन है। पहले जहां किसी मरीज के रिजल्ट 3 से 4 दिनों में आता था, वहीं अब 1 से 2 घंटे में इस मशीन द्वारा पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस मशीन में कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हैं। यह मशीन एक बार में सिर्फ एक ही लोगों का सैंपल टेस्ट कर सकती है। इस मशीन में एक साथ ज़्यादा लोगों का जांच नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे काम करना बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ 2 लोग 2 शिफ्ट में काम करते हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। ये मशीन का नाम है TrueNate और ये पहले तो बना था TB के लिए, लेकिन अभी वो मशीन कोरोना डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो रहा है। दिस इज़ टोटली मेड इन इंडिया और चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी है और रैपिड पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है। पॉइंट ऑफ केयर मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं करना होता है और पेशेंट से सैंपल आता है। अगर वो वायरल लाइसिस मीडियम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो हमको कोई बायोसेफ्टी प्रिकॉशंस भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में आजकल सैंपल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को फिर बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक वायरल लाइसिस बफर में। फिर वो बफर से हम लोग ओपनली, वो कोई बायोसेफ्टी कैबिनेट उसके बाद की रिक्वायरमेंट नहीं है, RNA एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। 18 मिनट्स में RNA एक्सट्रैक्शन हो जाता है, फिर PCR लग जाता है 45 to 50 मिनट्स में। सो टोटली अबाउट ऑलमोस्ट 1 आवर या लिटिल मोर देन 1 आवर में हम लोग रिजल्ट्स दे देते हैं। मैम, इससे पहले जो मशीन थी उसमें कितना टाइम लगता था, कितनी परेशानियाँ होती थी, क्योंकि सैंपल बहुत आते होंगे? हाँ, ये मशीन का आउटपुट लेकिन लो है। इसमें हम लोग 700-800 हज़ार नहीं कर सकते हैं। ये एक मशीन में सिर्फ एक टेस्ट है। इसका डुओ और क्वाट्रो भी अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक मशीन में एक टेस्ट वाले 3 मशीन्स इस तरह के हैं, तो मेरे 1 घंटे में 3 ही सैंपल में कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत हाई वॉल्यूम लेबोरेटरी के लिए नहीं है। इसका इंडिकेशन ये है कि जो पेशेंट का अर्जेंटली रिपोर्ट चाहिए, जैसे कोई डेड बॉडी हो, डेड बॉडी रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, उसका सैंपल का रिजल्ट नहीं पता चल रहा है, वो तुरंत हम लोग जांच करके दे देते हैं। या कोई इमरजेंसी में कोई आया पेशेंट, उसका सर्जरी करना है, उसका हम लोग जांच कर लेते हैं। या सारी ICU में जो पेशेंट्स भर्ती हैं उनको जल्दी हम लोगों को रिपोर्ट देना है, तो इसका ये यूज़ है। और लेकिन बल्क में हम लोग लार्ज नंबर वॉल्यूम के लिए ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। हम लोग पुरानी मशीनें जो हैं उनमें एक साथ कितने टेस्ट हो जाया करते थे और कितना टाइम लगता था? नहीं, वो तो कम्बरसम इसलिए है, कितना टेस्ट ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है उसमें। उसमें वो एक साथ आते हैं, सैंपल एलिकॉट हो रहा है, फिर RNA एक्सट्रैक्शन हो रहा है और फिर PCR लग रहा है, तो वो तो VRDL लैब पूरा मेहनत करके कर रहे हैं। लेकिन उसमें हम लोग 30 लोग 32 लोग लगे हुए हैं उसमें, और पूरा दिन भर लग जाता है क्योंकि एलिकॉटिंग में 2-3 घंटे 4 घंटे बैठे होते हैं, उसको एलिकॉट करते हैं, फिर एलिकॉट करके एक दूसरा टीम उसका RNA एक्सट्रैक्शन में लगते हैं, फिर वो फिर PCR लगाते हैं और शाम तक रिजल्ट आता है। वो बहुत मेहनत है, ज़्यादा बल्क में होता है, ज़्यादा लोग लगे हैं और ज़्यादा रिजल्ट भी निकलता है। इसमें हमारा कोई इतना मेहनत नहीं है और इतने लोग भी नहीं लगे हैं, एक आदमी भी बैठकर आराम से दिन में 45-50 सैंपल्स निकाल देगा। जो नई मशीन की बात करें मैम, तो कहने का मतलब ये होगा कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर जो सैंपल अगर चाहिए होता है उसके लिए ये मशीन बहुत कारगर साबित बहुत है, इम्पोर्टेंट। जैसे मोस्टली हम लोगों का जो जिसका कल सर्जरी करने वाला है उसका रिपोर्ट चाहिए, या वही सब इम्पोर्टेंट इमरजेंसी केसेस के लिए हम लोग ये मशीन यूज़ कर रहे हैं। डिलीवरी दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो लेबर रूम केसेस पेशेंट्स हैं उनका भी हम लोग। इस मशीन के लिए कितने लोग मैम एक साथ काम करते हैं, कितने लोग लगना पड़ता है? मैं 2 शिफ्ट में लगाई हूँ, तो एक मॉर्निंग शिफ्ट 7 बजे से 2 बजे और फिर 2 बजे से रात 9 बजे तक।
तो एक एक शिफ्ट में दो दो लोग हैं, वो लोग आराम से आरएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और फिर लग रहे हैं, पीसीआर लगा रहे हैं।